नंदनी, आप सभी को मालूम है कि 30 अप्रैल दोपहर 1 बजे से हमारा ट्विटर कैंपेन है, जिसका मकसद है पूरे भारत को ये बताना कि बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग और बिहार की सरकार शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 2 से 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बार बार सरकार से, शिक्षा विभाग से 7वें चरण की बहाली निकालने के लिए अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 7वें चरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 6ठा चरण कब पूरा किया जाएगा। किसी न किसी बहाने से 6ठे चरण को बेमतलब के अटका के रखा गया है। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचानी होगी, ताकि उन पर दबाव बने कि वो जल्द से जल्द इस 6ठे चरण को पूरा करके 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। कई महिला साथियों ने ये कहा है कि उन्हें ट्विटर को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी को बता सकूँ कि आप ट्विटर का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। ट्वीट करने के लिए आपके फ़ोन में ट्विटर होना चाहिए। यदि आपके पास ट्विटर एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले आपको ट्विटर ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद उसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। बहुत नॉर्मल सी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, आप उसमें सारी जानकारियाँ भर दें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ट्विटर का एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मेरा अकाउंट भी पहले से बना हुआ है। अब मुझे ट्वीट करना है, तो ट्वीट करने के लिए हमारे पास ये इंटरफेस खुला होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में नीचे कॉर्नर में एक प्लस का साइन बना है। जब आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं शिक्षक बहाली से रिलेटेड या किसी भी मुद्दे पर, आपको पहले वहाँ लिख लेना है। ट्वीट लिखने के बाद आपको इसमें उन लोगों को टैग करना होगा जिससे आप ये सारी बातें कहना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इस बात को शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, फिर भी बहाली नहीं हो रही है, तो हम उनको टैग करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम है विजय कुमार चौधरी, तो हम उनके नाम को सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला ही सजेशन आया है विजय कुमार चौधरी का। इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसमें टैग हो गए हैं। इसके साथ ही हम अगर और किसी को टैग करना चाहें तो मान लीजिए हम संजय कुमार, हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं, उनको टैग करेंगे तो हम उनका नाम लिखेंगे, उनका भी पहले नंबर पर ही सजेशन आ गया है, फिर हम उनको भी क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम अटैच हो जाएगा। ये होने के बाद अब आता है कि हम इसमें फ़ोटो कैसे अटैच करेंगे। मान लीजिए हमें कोई फ़ोटो अटैच करना है तो वो इसमें टैग हो गए हैं। इसके साथ ही हम अगर और किसी को टैग करना चाहें तो मान लीजिए हम संजय कुमार, हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं, उनको टैग करेंगे तो हम उनका नाम लिखेंगे, उनका भी पहले नंबर पर ही सजेशन आ गया है, फिर हम उनको भी क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम अटैच हो जाएगा। ये होने के बाद अब आता है कि हम इसमें फ़ोटो कैसे अटैच करेंगे। मान लीजिए हमें कोई फ़ोटो अटैच करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जो गैलरी का इंटरफेस बना रहेगा, इसमें जा कर के आपको सिलेक्ट करना है। वो टैग भी कर दिया है, फ़ोटो भी अटैच कर दिया है और साथ ही आपने लोगों को मेंशन भी कर दिया है। अब आप इस ट्वीट को यहाँ जो राइट कॉर्नर में ऊपर ट्वीट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ट्वीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट जो है यहाँ पर हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि हमें ट्वीट कैसे करना है। पार्ट 1 वीडियो में आपने सीखा कि ट्वीट कैसे करना है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। हमें ड्राफ्ट कैसे करना है, ट्वीट को ड्राफ्ट कैसे करना है, ये तो हमने सीखा कि हम ट्वीट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट्स को सेव करके कैसे रख सकते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। ड्राफ्ट करने के लिए भी सेम प्रोसेस करना है, जैसे हमने ट्वीट किया था वैसे ही अपने ट्वीट को तैयार कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है, ट्वीट का और कैंसिल का। तो हमें इस ट्वीट को
ड्राफ्ट में सेव करना है, तो अगर हम कैंसिल करेंगे या किसी किसी के फ़ोन में कैंसिल का ऑप्शन नहीं आता है तो बैक बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, या तो आप ट्वीट को डिलीट कर सकते हैं या फिर इसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। तो हमें ड्राफ्ट में सेव करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्वीट था वो ट्वीट ना हो करके ड्राफ्ट में सेव हो गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम ड्राफ्ट में अपने ट्वीट को कैसे ढूंढेंगे। तो ड्राफ्ट में अपने ट्वीट को ढूंढने के लिए फिर से आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस खुल रहा है उसमें तीन ऑप्शन है, कैंसल, ड्राफ्ट, ट्वीट। तो हमें ड्राफ्ट ढूंढना है तो हम ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस ट्वीट को हमने अभी ड्राफ्ट में सेव किया था वो हमारे सामने खुल गया है। अब हम इसको आसानी से तुरंत ट्वीट कर सकते हैं। तो उस पर जब हमने ट्वीट ऑप्शन क्लिक किया तो वो ट्वीट अब हमारा हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ट्वीट को ड्राफ्ट में सेव करने से क्या फ़ायदा है। ट्वीट को ड्राफ्ट में सेव करने से हमारा समय बचता है। जब भी हम कोई ट्विटर कैंपेन करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी ट्वीट करना होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होता है। इसीलिए हम पहले से ट्वीट तैयार करके ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं ताकि जिस वक्त ट्विटर कैंपेन रखा गया है उस वक्त लगातार हम ट्वीट कर सके। जब हमें ट्विटर कैंपेन में किसी हैशटैग को ट्रेंड कराना होता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, और यदि हम हर बार ट्वीट लिखेंगे तो बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसलिए हम ट्वीट्स को ड्राफ्ट में सेव करके रख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से मदद मिलेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को ट्विटर चलाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप सबसे विनती है 30 तारीख को दोपहर 1 बजे से लगातार ट्वीट और रिट्वीट करते रहें ताकि हमारा हैशटैग ट्रेंड करे और हमारी बात शिक्षा विभाग और सरकार तक पहुँचे। कर रहे हैं तुम्हें।